नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक हेल्प चैनल पे। मैं हूँ चंदन और आज हम बात करने वाले हैं एक गेम के बारे में जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी जो कि आपको एंड्रॉयड में मिल रहा है, जैसा कि ये बहुत ही मतलब फेमस एक गेम है जो कि आपने पीसी में भी खेला होगा। हाई एंड ग्राफिक्स के साथ में आपको ये मिलता है और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपने खेला होगा तो आप बहुत ही इसके एडिक्टेड होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आप इससे अब अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे भी खेल सकते हो, जैसे कि आप पबजी खेलते थे। तो टेंसेंट और एक्टिविजन ने कोलैबोरेशन में इस गेम को निकाला है, जिसके थ्रू आप इसे पीसी के थ्रू भी खेल सकते हो और साथ में अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी खेल सकते हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये गेम निकला है, तो बहुत सारे ऐसे गेम प्लेयर्स होंगे या गेमर्स होंगे जिनको ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा वेटिंग कर रहे थे। तो आप सभी के लिए ये गेम प्रस्तुत है और मैंने इस गेम को जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहा और साथ में मैंने इस गेम को इंस्टॉल भी किया और इसे कुछ देर के लिए गेम को खेला भी। तो मैं उसी के बारे में आज रिव्यू देना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये गेम है कैसा, क्योंकि पबजी तो सभी कोई खेल रहे हैं, तो ये गेम कैसा है, उस कंपटीशन में ये उतरने वाला है, तो ये गेम कितने दूर तक जाने वाला है, तो यही मैं बस आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने इसे इंस्टॉल किया आज ही और साथ में मुझे इसके कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे मिले जो कि मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा मैं आपको बता दूँ कि इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस है, अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप नॉर्मल मोबाइल में इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसके लिए एटलीस्ट 2 GB रैम वाली फ़ोन चाहिए। साथ में आपको जो चाहिए इसमें आपको कुछ हद तक एंड्रॉयड 5.1 के ऊपर वाले वर्जन में आपको ये इंस्टॉल होने वाला है। साथ में ये 1.1 GB का गेम है जो कि आप इसे इंस्टॉल करोगे तो आप इसे मतलब इसके लिए कोई एडिशनल फाइल आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, जैसा आपको पबजी में करना पड़ता है। उसके कुछ एक्सट्रैक्टर को डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से वो गेम डाउनलोड होता है आपका 2.2 GB करीब। बट हाँ, उसके मुकाबले ये गेम अभी 1.10 मतलब GB पे आपको मिल रहा है, जैसे कि 1 GB के करीब आपका ये गेम है। और इसे आप अगर डाउनलोड करते हो तो ये कुछ स्टार्टअप लेता है और कुछ डेटाबेस कलेक्ट करता है और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है। तो आप बस और क्या, इसमें जो गेम है ये इसके कुछ टच इंटरफेसेस के बारे में मैं अगर बताऊं कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो अगर आप गेम को इंस्टॉल करोगे और पहली बार इसे चलाओगे तो जैसा मैंने बताया कि आपको कुछ देर तक इसे मतलब एक स्टार्टर मतलब पेज पे ही रहना पड़ेगा आपको कुछ देर के लिए। और उसके बाद जब ये डिपेंड करता है आपके नेट के ऊपर कि ये कितना जल्दी आपके या उसके डेटाबेस को वो कलेक्ट करता है। उसके बाद आपको कुछ एक प्रैक्टिस सेशन आपको मिलता है जहाँ पे वो आपको प्रैक्टिस कराएगा पूरे गेम के बारे में और आप उस आपके पूरे कंट्रोल्स आप उससे समझ सकोगे और आपको वो पूरा पूरे एक हिंट जो होता है वो पूरे पूरी आपको कंट्रोल्स के बारे में बताता है। उसके बाद आप अपना यूज़र लॉगिन करते हो, जैसे कि आप फेसबुक कर सकते हो या गेस्ट कर सकते हो जैसा कि आप पबजी में करते थे। साथ में जो है आपका मुझे इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे लगे, जैसा कि एक 3D लुक है इसमें जैसा कि पबजी में हमने देखा है। और आई थिंक सो ये फ़ोन टू फ़ोन डिपेंड करने वाला है, साथ में आपके जो GPU यूज़ होता है आपके फ़ोन में, जैसा कि मैंने इसे रियलमी पे टेस्ट किया है। तो ऑब्वियसली मैं इसे भी पोस्ट करने वाला हूँ एक इसके ऊपर गेम एक्सपीरियंस जो होगा रियलमी पे। और तो ऑब्वियसली आपको 2 GB का ग्राफिक्स लगेगा, साथ में आपको जो लगेगा वो है आपका GPU आपका सबसे सॉलिड होना पड़ेगा, जिसके कारण आपका गेम कहीं पे भी लैग ना करे। और साथ में आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आपका ज़बरदस्त होना पड़ेगा, क्योंकि अभी के जो गेम्स निकल रहे हैं वो पूरा पूरी आपका मतलब इंटरनेट पे बेस करके ही वो बन रहा है। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो iOS जो है iOS या आईपैड्स आप 9.0 वर्जन के ऊपर आप इसे चला सकते हो। और साथ में आपको जो है 2 GB रैम और उसके ऊपर वाले मोबाइल्स पे आप इसे इजीली चला सकते हो। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये मतलब लाइव हो चुका है और जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ में मैं अगर आपको बताऊं कि ये बिल्कुल फ्री है और आपको यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि इसके जो सारे अपडेट्स आने वाले हैं वो पबजी की तरह वो भी फ्री होंगे और आप इसे अपडेट कर सकते हो और गेम को आप खेल सकते हो अपने तरीके से। साथ में मैं इसमें आप अगर बताऊँ तो ये एक जो है इसमें कुछ आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो मैंने बताया ही, आप इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, 1 GB का गेम है।
और साथ में आपको यहाँ पे कुछ नाम्स वगैरह जो है इसमें आपको बहुत सारे अपडेट्स अगर मिलेंगे तो ये कॉल ऑफ ड्यूटी का ब्लैक ऑप्स, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर, एलेक्स मैसन, ये सब जो नाम वगैरह है वो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे हो गया थॉमस मैरिक और एक हो गया साइमन घोस्ट रेले, मतलब ये जो कैरेक्टर्स है वो आप इसे देख सकते हो इसमें। साथ में है जो मतलब ये गेम आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखो, आप इसे खेल के देखो आपको कैसा लगता है। और मैंने एक छोटा सा क्लिप आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँगा, या हो सकता है मेरे बैकग्राउंड पे आप इसे देख सकते हो इस क्लिप को। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा एक गेम होने वाला है और एक कंपटीटर होने वाला है पबजी के मुकाबले। और पबजी जो कि मार्केट में अभी पूरा छाया हुआ था, तो कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत कोई इसके लिए वेट कर रहे थे, यहाँ तक कि मैंने भी इसे एक तरह से नोटिफाई करने के लिए मैंने भी इसे कर रखा था। तो जैसे मुझे ये नोटिफिकेशन आया तो मैंने इसे इंस्टॉल किया, तो ऑब्वियसली गेम के कंट्रोल्स मुझे कुछ डिफरेंट लगे। और जैसा कि मैं एक गेमर नहीं हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम होगा, और मैंने इसे पीसी में खेला है, ये गेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने इसे जस्ट ऑफलाइन मोड में खेला था, सीडी में डाउन, जैसे कि आप लैपटॉप में इसे इंस्टॉल करके। तो ऑब्वियसली ये इंटरनेट बेस्ड होगा और साथ में आप इसे खेल सकते हो, आपको जो मैप्स वगैरह मिलेंगे वो फैमिलियर मैप्स मिलेंगे आपको, तो ऑब्वियसली आप इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। तो जैसा कि मुझे लगा कि मैं इस पर कोई मतलब एक वीडियो बनाऊँ, तो बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में बताइएगा कि आपको ये गेम खेल के कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। और अगर आप एक गेमर हो तो प्लीज़ आप मेंशन करो कि आप एक गेमर हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मतलब आपको ये गेम कैसा लगा, क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट इम्प्रेशन दिया है। और साथ में मैंने इसे आपको सारे जो मैं बताऊं, अगर आपको मैं वो सारे प्रैक्टिस सेशन को क्रॉस करके एक मैंने गेम स्क्वाड के साथ में गेम खेला है, तो ऑब्वियसली ये गेम बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला और बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव लुक के साथ में आप इसे देख सकते हो। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा है, और आई थिंक सो आप प्ले गेम खेल के देखो, उसके बाद आप बताना मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करो, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो ऐसे वीडियोस रोज़ाना या वीकली देखने के लिए। ओके, थैंक यू, नमस्ते।